हेलो फ्रेंड्स, मैं कल्पना माहेश्वरी माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। घेवर तो नहीं, घेवर से कम भी नहीं। आज मैं आपके साथ इस मीठे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ब्रेड के साथ बना हुआ यह मीठा बहुत कुछ घेवर के टेस्ट जैसा ही लगता है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें। एक और बात, मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो डाला था कि कौन देता है माहेश्वरी रसोई को गंदी गालियां। उस वीडियो में मैंने एक दोहा बोला था, वो दोहा गलत है। आप उस दोहे को करेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में आंसर करें। पहले 5 कमेंट करने वालों को और जिनके जवाब सही होंगे और सबसे जल्दी दिए हुए होंगे उन लोगों को मैं 200 रुपए का पेटीएम कैश दूंगी। वापस आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि लास्ट में भी आपके लिए बहुत कुछ है। घेवर तो नहीं लेकिन घेवर से कम भी नहीं। जी हाँ, ये जो हम मिठाई बनाने वाले हैं ये बहुत ही टेस्टी है और इसका टेस्ट काफी कुछ घेवर की तरह आता है लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। और उसके लिए सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और इसके लिए हमें चाशनी बनानी है और इसमें हम 1 कप चीनी डाल देंगे। वजन में देखें तो 250 ग्राम चीनी है। जितनी हमने चीनी ली है उसका जस्ट हाफ हम पानी डाल देंगे। चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे जिससे चाशनी में अच्छा सा उबाल आता है और चीनी अच्छे से मेल्ट होती है। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून दूध। इससे फायदा ये होगा कि हमारी जो चाशनी है एकदम से साफ हो जाएगी। और देखिए चीनी में जितनी इम्प्योरिटी थी वो साइड से आ गई है और बस उसे हम इजीली इस तरीके से निकालेंगे और चीनी साफ हो जाएगी। चीनी की इम्प्योरिटी निकालने के लिए मैं आपके साथ बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही यूजफुल टिप शेयर करना चाहूंगी। उसके लिए जब हम इम्प्योरिटी निकालते हैं बहुत बार हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आप एक इस तरीके से स्टील की छलनी ले लीजिए और उसमें आप निकालते रहिए तो आप देखेंगे कि सिर्फ गंदगी ऊपर रह जाएगी और चाशनी सब नीचे आ जाएगी। और गंदगी को तो हम इजीली फेंक सकते हैं और चाशनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इंटरेस्टिंग सी मिठाई को येलो कलर का बनाने वाले हैं इसलिए मैंने लिया है ये खाने वाला येलो फूड कलर और बहुत थोड़ा सा हम चाशनी में डाल देंगे। कलर मैं हमेशा ही बताती हूँ कि आप चम्मच के पीछे वाले हिस्से से यूज करें और कलर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। चाशनी हमारी बनकर तैयार है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये मैंने लिया है नॉर्मल व्हाइट ब्रेड है। एक एक ब्रेड स्लाइस लेते जाएंगे और एक कटोरी के साथ हम उसको राउंड शेप में निकाल लेंगे। आपकी ब्रेड में जितना बड़ा गोल राउंड निकल सके आप उतना बड़ा निकाल लीजिए। और ब्रेड को मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है और इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ब्रेड पे अप्लाई कर लेंगे। हमें ब्रेड को गीला नहीं करना है, सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा पानी हमें लगाना है और एक ब्रेड स्लाइस उसके ऊपर रखेंगे। सिर्फ मैंने इस तरीके से ये दो दो ब्रेड को एक साथ सैंडविच की तरह कर लिया है। और उसके बाद एक बेलन लेंगे और इन्हें हल्के हाथ से हम थोड़ा सा बेल लेंगे जिससे ब्रेड आपस में चिपक जाएंगी और हमारा जो घेवर बनेगा वो देखने में बहुत अच्छा बनेगा। ये ब्रेड मैंने बेल कर अच्छे से चिपका लिया है। और अब हम लेंगे एक छोटा सा कुकीज कटर, आप चाहें तो किसी डिब्बी का ढक्कन ले सकते हैं या सॉस की जो बोतल होती है उसका ढक्कन ले सकते हैं। और इस तरीके से हम इसमें से राउंड निकाल देंगे जिससे ये प्रॉपर घेवर की शेप बन जाएगी। इसके बाद बारी आती है इन्हें फ्राई करने की या डीप फ्राई करने की। और उसके लिए गैस ऑन करके मैंने एक पैन रख दिया है। पैन के अंदर हम देसी घी डालेंगे। घेवर देसी घी का ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हमें इसके लिए बहुत ज्यादा देसी घी डालने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए जो भी बर्तन ले वो थोड़ा सा चौड़े पैदे का होना चाहिए। जैसे ही घी मीडियम गर्म होता है उसके अंदर हम अपने ये घेवर डाल देंगे और उलट पलट कर हम इन्हें अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे जिससे कि घेवर का कलर होता है। ब्रेड है इसलिए सीखने में ज्यादा देर नहीं लगती, सिर्फ 2 से 3 मिनट में हमारी ब्रेड अच्छी गोल्डन ब्राउन और कुरकुरी हो गई है। इसे मैंने देसी घी से बाहर निकाल लिया है
कुछ देर इसी तरह लटका के रखेंगे जिससे एक्स्ट्रा घी निकल जाएगा। ये जो हमने चाशनी बनाई थी ये भी हल्की सी गर्म है और ये जो घेवर बनाए थे ये भी गर्म है, इसे हम चाशनी में डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे चाशनी में पड़े रहने देंगे, हमें इसे बहुत ज्यादा देर चाशनी में नहीं डालना है वरना ये सूखी हो जाएंगे। सभी घेवरों ने चाशनी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, बस थोड़ी देर हम इसे इस तरीके से लटका देंगे जिससे एक्स्ट्रा चाशनी निकल जाएगी। ये मैंने लिया है घर का बना हुआ 50 ग्राम मावा और इसमें हम डालेंगे ये इलायची एसेंस यानी कार्डमम एसेंस, आप चाहें तो फ्रेश इलायची भी डाल सकते हैं और सिर्फ इसकी 2 से 3 ड्रॉप काफी होंगी। और मावे को थोड़ा सा मीठा करने के लिए हम इसमें डाल देंगे ये चाशनी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर मावा ज्यादा हार्ड है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध मिला सकते हैं जिससे वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दूध और चाशनी मिला देने से हमारे मावे का टेक्सचर काफी कुछ रबड़ी के जैसा हो गया है और हमें इसी तरीके के मावे की जरूरत है। अब बारी है इसे प्रॉपर घेवर का लुक देने की, उसके लिए हम ये थोड़ा थोड़ा सा मावा लेंगे और बस इस तरीके से हम इस पे थोड़ा थोड़ा सा फैला देंगे जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और लुक भी। हमारे सभी घेवर मावा लगकर भी तैयार हो गए हैं और बस अब थोड़े से ड्राई फ्रूट डालकर हम इसकी गार्निशिंग कर देंगे। ये मैंने डाली है थोड़ी सी चिरौंजी। चिरौंजी एक ड्राई फ्रूट होता है और आपको किसी भी पंसारी के यहाँ बहुत आसानी से मिल जाएगा। थोड़े से बारीक कटे हुए हरे पिस्ते, इससे इनका लुक बहुत ही अच्छा हो जाता है। ड्राई फ्रूट डालना ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं डालें वरना आप ना डालें। मात 5 से 7 मिनट में ही हमारी ये बहुत टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसे फ्रीज में रखकर ठंडा सर्व कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे रूम टेम्परेचर पर सर्व कर सकते हैं। देसी घी में सिकने के बाद में इसका टेस्ट बहुत कुछ घेवर की तरह आता है। बहुत ही क्विक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ये घेवर की रेसिपी, अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। हमारा ये बहुत ही टेस्टी और थोड़े नए तरीके से घेवर बनकर तैयार हो गया है और आप यकीन मानिए बहुत आसानी से बने हुए इस मीठे का टेस्ट बहुत कुछ घेवर से मिलता जुलता होता है। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और रही बात गिव अवे की, मैं इस महीने में एक गिव अवे तो हमने आज कर दिया है और पूरे महीने में मैं 4 गिव अवे और करूंगी, यानी कुल करके मैं 5 गिव अवे करने वाली हूँ जिसमें मैं आप लोगों को 200 रूपए पहले 5 कमेंटों पर दूंगी। इसलिए आप प्लीज पूरे 1 महीने मेरे साथ जुड़े रहें और पेटीएम कैश पाते रहें।